हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीनी टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम फाउंडेशन सीरीज के एपिसोड नंबर 2 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत ड्वार्फ प्लैनेट एथेरा को दिखा के की जाती है और हमें एक ऐसे समूह को दिखाया जाता है जो लोग इंसानों के शरीर में हथियार प्लांट करने का काम करते हैं। और जब वो लोग अपना काम कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे ट्रेंटोर की आर्मी आकर उन सभी लोगों को एक एक करके मारने लगती है और इसी चपेटे में उनकी लीडर को मारते हुए गले में छेद कर देते हैं। और डेमरजेल उसके पास पहुंचकर उसे बताती है कि अगर तुम्हें कुछ पलों के अंदर सही से इलाज नहीं मिला तो तुम मारी जाओगी और हम ये भी जानते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करती हो और तुमने ही स्टार ब्रिज के गिराने वाले लोगों के हाथों में बम फिट किए थे और हम बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हें इस काम को करने के लिए किसने कहा था या संपर्क किया था। और फिर हम टेंटोर में इंपीरियर्स के सामने डेमरजेल को बताते हुए सुनते हैं कि हमने उन सभी लोगों से पूछताछ की है जिन पे हमें शक था लेकिन सब जगह हमें निराशा ही हाथ लगी है। और फिर ब्रदर डे पूछता है कि अभी भी कितनी लाशें टेंटर के ऊपर मंडरा रही है और डेमरजेल उन्हें बताती है कि 127,000 डेड बॉडीज अभी भी पड़ी हुई है। और इसे सुनने के बाद ब्रदर डे उससे कहता है कि तुम्हें सबसे पहले उन लाशों को वहां से जल्दी निकालना होगा और जब वो लाशें वातावरण में बाहर आएंगी तो उनमें आग लग जाएगी और किसी को भी हमारी नामर्दगी याद करने के लिए बस ऊपर की ओर देखना होगा और हमें इसका जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। जिस पर ब्रदर डग्स उससे कहता है कि हमें परिणाम से ज्यादा लोगों के भरोसे की जरूरत है। और हैरी सेल्डन और उसके लोगों के बारे में पूछने पे वो उससे बताती है कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिसकी वजह से हम हैरी सेल्डन और उसके लोगों पे शक कर सके। और ब्रदर डेमरजेल से बताता है कि मैं अगर चाहूं तो उन लोगों को इतनी दूर से भी नष्ट कर सकता हूं और फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये काम उन्होंने किया है। और जब इसकी न्यूज सारे जगह पर पहुंच जाएगी तो कुछ दिनों बाद लोग इसे सच मान लेंगे। जिस पर डेमरजेल उसे कहती है कि अपने विरोधियों को खत्म करना एक जोखिम भरा काम है और उसका जवाब देते हुए इंपेरर डे उसे कहता है कि अपने सम्राट को परेशान करना भी एक जोखिम का काम है। और फिर हम उस जहाज को देखते हैं जो सिर्फ उन्हें टर्मिनस ले जा रही होती है और हमें यहाँ पता चलता है कि रैस और गेल एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। और जब रैस उसे बाहर बुलाता है तो गेल उसे खींचकर पानी में संभालने के बाद उससे प्यार करने लगती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि अभी भी टर्मिनस पे पहुंचने के लिए 54 महीने बचे हैं। और फिर हम लोग उन लोगों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान टर्मिनस के एनवायरनमेंट का जायजा और उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करते हुए देखते हैं। जहां हम सिवान को पत्थर को खोदते हुए देखते हैं वहीं गेल उन्हें आगाह करती है कि वहां पे उच्च मात्रा में पारा और आर्सेनिक होने की वजह से उन्हें ध्यान से खुदाई करनी है। और तभी गेल को मेगाफोना की आवाज सुनाई देती है और उसके पास पहुंचने के बाद अपने दर्शन कराने के बाद वो गेल पे हमला कर देता है जिसके बाद उसके साथी उसे बचाने के चक्कर में वहां पे गोली चला देते हैं और इसी वजह से वहां पे विस्फोट हो जाता है। और इसके साथ ही तीसरी बार ट्रेनिंग करने के दौरान उनका ये मिशन फेल हो जाता है और फिर रैस वहां पे आकर उसे बताता है कि डॉक्टर सेल्डन उससे मिलना चाहते हैं। और फिर डॉक्टर सेल्डन लटकते हुए सेब के पेड़ को दिखाकर उससे कहते हैं कि ये सेब का पेड़ जिसे हमने इंपीरियल गार्डन से लिया है जो कि रोबोट के युद्धों से भी ज्यादा पुराना है। और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि टर्मिनस ग्रह पे पहुंचने के बाद 5 साल के भीतर ही उनके लगभग 34% लोग मारे जाएंगे। और फिर हैरी सेल्डन उसे फाउंडेशन बजट आवंटन में उसकी जगह पे भाग लेने को कहकर वहां से चला जाता है। और फिर हमें गेल की आवाज में फिर से बताया जाता है कि गणित केवल संख्याएं नहीं होती, जब हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते तो हम गणित का इस्तेमाल करके उन चीजों का वर्णन करते हैं जिसे कोई भी अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। और वही सारी चीजें हमें डराती हैं, जैसे कि अंतरिक्ष की विशालता, समय का रूप, मानव आत्मा का वजन और उसकी कीमत। और फिर हमें ट्रेंटोर को दिखाते हुए इंपीरियर्स की मीटिंग में ले जाया जाता है जहां हम देखते हैं कि ब्रदर डॉन दोनों राजदूतों के सामने एक एक करके उनके हमला करने से पहले कहे गए गीत और उसके भाषण उन्हें सुनाता है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि वो दोनों हमलावर इन्हीं लोगों की भाषा बोल रहे हैं। और दोनों राज्यों के राजदूत ब्रदर डे से कहते हैं कि उनका इस हमला करने वालों से और उनके राज्य से कोई भी लेना देना नहीं है। और ब्रदर डे उनको अच्छी तरह से खरी खोटी सुनाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। और जब जेरी ब्रदर डे को बताता है कि उनके दोनों राज्य एक दूसरे से नफरत करते हैं तो ब्रदर डे उससे कहता है कि इससे ज्यादा ये लोग एम्पायर से नफरत करते हैं। और हम देखते हैं कि ब्रदर डे उनके पास आकर उनसे कहता है कि तुम लोगों में से कोई एक फांसी के फंदे पे लटकने वाला है और मैं चाहता हूँ कि ये सजा उसको मिले जो इसका असल में गुनाहगार है। और इधर हमें पता चलता है कि गेल माँ बनने वाली है और उसके भ्रूण को स्टोर करके रख लिया जाता है। और इधर हम ब्रदर डग्स को डेमरजेल के साथ हवाई सफर करते हुए
स्टार ब्रिज की तरफ जाते हुए देखते हैं और टूटे हुए टुकड़े पे उतरकर वो पादरी से मिलने के लिए जाता है और सब लोगों के बीच से गुजरते हुए अपने बचे हुए मंदिर में मिलने के लिए जाता है, जिस पर पादरी के कहने पे उसके सारे हथियार और उसके पहने हुए औजार को डिसेबल कर दिया जाता है और फिर उससे बातचीत करते हुए उससे पूछता है कि तुम हैरी सेल्डन के मुकदमे में क्यों आए थे और गेल डार्निक यहाँ पे आकर क्या जानना चाहती थी, जिस पर पादरी उसे बताता है कि वो जानना चाहती थी कि क्या वो एक सच्ची सीयर है और अगर उसने सच में विनाश देखा है जैसा कि सेल्डन ने बात की थी तो ये साम्राज्य सच में बर्बाद हो जाएगा। और बिल्डिंग टूटने की वजह से डेमरजेल के कहने पे वो लोग उसे ले जाते हैं और जाते वक्त डेमरजेल को पत्थर गिरने की वजह से चोट लग जाती है और डेमरजेल के खून की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि वो एक एआई रोबोट है। और इधर गेल मीटिंग में जाते वक्त रैस से वो बताती है कि हैरी सेल्डन की साइको हिस्ट्री की थ्योरी या मॉडल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और उसने इस बात को तब जाना था जब जेरिल ने उसे मुकदमे के वक्त प्राइम रेडिएंट को अध्ययन करने के लिए दिया था और सेल्डन जो कह रहा है वो पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन वो जैसा कह रहा है उसने अपने पूरे पजल को सॉल्व नहीं किया है और जब उसकी पूरी थ्योरी सॉल्व हो जाएगी तब हमें एक्चुअल पिक्चर का पता चलेगा कि उसकी भविष्यवाणी सही है या गलत। और तभी इस बातचीत में बाधा डालते हुए मीटिंग करने के लिए वो लोग उसे बुला लेते हैं और इधर हम डेमरजेल को ब्रदर डॉन के सामने अपने शरीर के तार को जोड़ते हुए देखते हैं और उसे जोड़ने के बाद वो उसे ढक लेती है और इधर हम ब्रदर डक्स को एनक्रियन और थेस्पिस के साथ ड्रिंक का मजा लेते हुए देखते हैं और ब्रदर डक्स उनकी बातचीत सुनने के बाद उससे बोलता है कि तुम लोग मरने वाले हो और एम्परर डे तुम सबको मार डालेगा और आप लोगों ने जो किया है उसके लिए ये सजा बिल्कुल भी काफी नहीं है और उस बदबू के लिए, आंखों में चुभन के लिए और हमारे गले में बच्चों माताओं और पिताओं की राख के लिए तुम लोगों को मार दिया जाएगा और मेरे मुंह में वो स्वाद बैठ चुका है। और अपने गिलास को गुस्से से फेंकते हुए उससे बोलता है कि यह एक ऐसा स्वाद है जो कभी भी जिंदगी में नहीं जाएगा और यही मौत का मंजर आपकी और हमारी विरासत होगी और अगर हम चाहें तो आप लोगों को रिहा कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। और इधर हम देखते हैं कि जब रैस और गेल एक साथ खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पे हैरी सेल्डन आकर उनको ज्वाइन करता है और जब हैरी सेल्डन रैस के बारे में बातें करते हुए सभी को उसके असली माँ बाप के बारे में बताते हुए कहता है कि जब मैं उससे मिला था तो उसकी माँ मर चुकी थी और जो भी पैसे वो घर लेकर जाता था उसके पिता शराब खरीद कर पी जाते थे, जिस पर रैस उसकी बात काटते हुए उससे कहता है कि मेरे पिता कभी भी शराब नहीं पीते थे, मेरे पिता हीट सिंक में काम करते थे और वहीं पे उनका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनकी पीठ जल गई थी और मैंने दवा के लिए वो किताबें चुराई थी जिसके बारे में तुम जिक्र कर रहे हो और तभी मैं तुमसे मिला था और उन्होंने शराब पीना जब शुरू किया जब मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। और इधर हम ब्रदर डस्ट डे और डॉन को राजदूतों की सजा के बारे में बातचीत करते हुए देखते हैं और ब्रदर डस अपने थॉट के बारे में बताते हुए कहता है कि अगर हम उन लोगों को माफ कर देते हैं तो इसका एम्पायर पे अच्छा असर जाएगा और सबके रिक्वेस्ट करने पे ब्रदर डॉन उसे बताता है कि वो इस घटना से पूरी तरह से डरा हुआ है, जिस पर ब्रदर डे उसका जवाब देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और लोग भी इस घटना से डरे हुए हैं और इसीलिए इस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। और ब्रदर डॉन रोते हुए उसे गले लगा लेता है। और इधर हम देखते हैं कि दोनों राजदूतों को सबके सामने पेश करते हुए ब्रदर डे सबसे कहता है कि प्रथम क्लियोन से लेकर हर एक क्लियोन का वादा था कि वो इस साम्राज्य की शांति के लिए कुछ भी करेंगे और इसके लिए हम आज या कल या आने वाले किसी भी कल में इस शांति को छोड़ नहीं सकते हैं और जो भी इस शांति को भंग करेगा उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ट्रेंटर अब गंभीर रूप से घायल हो चुका है और हमारा ऐसा कोई भी नागरिक नहीं है जिससे इसको नुकसान ना पहुंचा हो और इस दर्द को आने वाली सभी पीढ़ियां महसूस करेंगी और ये घटना उनके दिलों में हमेशा के लिए डर बैठा देगी, लेकिन वो फिर भी जीवित रहेंगे और हमारी दुनिया भी जीवित रहेगी, लेकिन तुम लोग जीवित नहीं रहोगे और ना ही तुम्हारी दुनिया भी जीवित रहेगी, बिना घाव और बिना निशान के तो बिल्कुल नहीं। और फिर उन दोनों ग्रहों को दिखाकर उन्हें वहाँ का नजारा दिखाता है तो थेस्पियन के राजदूत अपने ग्रह की तबाही देखने से पहले अपनी आंखें नीचे कर लेती है तो ब्रदर डे उसके चेहरे को उठाते हुए उसे देखने को कहता है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे सिप उन दोनों ग्रहों के सामने मंडरा रहे हैं और उनके आदमियों को धकेलते हुए उन ग्रहों पे हमला बोल दिया जाता है और उसकी मौत को देखने के बाद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। और जब फिर से ब्रदर डे थेस्पियन के लोगों को गिराता है तो उनके ग्रह पे हमला बोल दिया जाता है और उसके इशारे के साथ ही बाकी बचे हुए लोगों को एक एक करके धकेल दिया जाता है। और उधर हम उनके प्लैनेट पे सिप के द्वारा गोलों की बरसात होने लगती है।
और फिर उन दोनों राजदूतों से कहता है कि तुम लोग अपने दुनिया में वापस जा सकते हो और वहां पे जाकर जिंदा या मुर्दा लोगों से कहना कि तुम लोग उन्हें बचाने में पूरी तरह से नकारा साबित हुए हो। और इधर हम फिर से गेल को स्विमिंग पूल में तैरते हुए प्राइम नंबर का जाप करते हुए देखते हैं और जब उसे प्राइम काउंट करते हुए कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है तो वो स्विमिंग पूल से बाहर निकल कर अपने कमरे में जाती है तो रेस गायब होता है। और इधर हम देखते हैं कि हैरी सेल्डन को रेस चाकू मार चुका है और वहां पे पहुंचने के बाद गेल उसे बचाने की कोशिश करती है तो उसे उठाकर दोनों भागने लगते हैं। और उसके मरने के बाद वहां का कंप्यूटर सबको बता देता है कि हैरी सेल्डन की मृत्यु हो चुकी है। और इधर रेस उसकी जान बचाते हुए एक नॉर्मल जंप पॉड में या मिनी सीप में बंद कर देता है और उसे आई लव यू और माफी मांगने के बाद जंप पॉड को या उस मिनी सीप को अपने जहाज से रिलीज कर देता है। और उनके इस प्यार के सफर को दिखाने के बाद हम प्राइम नंबर काउंट करते हुए उसे जाते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।